हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी अपने फेसबुक अकाउंट में फॉलोवर ऑप्शन को इनेबल करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि फेसबुक पर हम फॉलोवर ऑप्शन को कैसे शो कर सकते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हम अपने फोन पे। सबसे पहले आप अपने फेसबुक अकाउंट पे आ जाइए। यहाँ पे हम अपने फेसबुक अकाउंट पे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने प्रोफाइल पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे, यहाँ पे आपको कोई भी फॉलोवर का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी फॉलोवर का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम जो है फॉलोवर का ऑप्शन जो है उसे इनेबल करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ऊपर में 3 लाइन पे क्लिक करना है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे जाएंगे और यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा। सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे आपको नीचे जाना है। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा पब्लिक पोस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको ढूंढना है पब्लिक पोस्ट। चलिए इस पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पे सभी जो है फ्रेंड्स पे सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे आपको सारे सेटिंग्स को पब्लिक कर देना है। ऊपर में आप देख सकते हैं इसे हम पब्लिक कर देते हैं और ये सेटिंग भी अब सेव नीचे हो गया है। तो यहाँ पे जो है सभी को पब्लिक करना है आपको। ये पब्लिक है और नीचे भी पब्लिक है। अब नीचे जो है इसे भी हम पब्लिक कर देते हैं प्रोफाइल को। और नीचे कमेंट रैंकिंग है, यहाँ पे इसे हम यहाँ से इनेबल कर देते हैं। और इनेबल करने के बाद अब यहाँ पे हमारा सेटिंग हो गया। अब यहाँ सेव जो है वो अपने आप ही हो गया है और इसे हम अब बैक कर देते हैं। और बैक करने के बाद यहाँ पे अब यहाँ पे हम दोबारा से अपनी प्रोफाइल पे जाते हैं। ऊपर में प्रोफाइल पे जाने के बाद अब यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे एडिट प्रोफाइल का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल्स में एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके सबसे नीचे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी फॉलोवर का ऑप्शन अभी फिलहाल नहीं आया है, तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। तो आपको बता दूं कि ये जो है इंस्टेंट नहीं आता है, तो इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। चलिए इसे हम रिसेंट से हटा देते हैं और दोबारा से इसे हम ओपन करते हैं। दोबारा से इसे हम फेसबुक को ओपन करते हैं और वापस से हम जाते हैं अपनी प्रोफाइल पे। तो यहाँ पे आप देख, यहाँ पे मैंने दोबारा से इसे ओपन किया है और आपको बता दूं कि इस ये जो है आपको ये ऑप्शन आने में कम से कम तो 3 या 4 घंटा लगेगा। ये इंस्टेंट नहीं आएगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। 3 या 4 घंटा आपको वेट करना है। हो सकता है 5 या 6 घंटा भी लग जाए, 1 दिन भी लग जाए, लेकिन 1 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे एडिट पे हम आके देखते हैं। 3 या 4 घंटे के बाद मैंने देखा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉलोवर का ऑप्शन जो है यहाँ पे मुझे शो हो गया। तो यहाँ से अब जो है यहाँ पे आपको करना क्या है कि फॉलोवर का जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पे हमें रेडियो बटन पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद सेव पे क्लिक कर देंगे और सेव करते ही आपको यहाँ पे फॉलोवर का ऑप्शन शो होने लग जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉलोवर का ऑप्शन हमें जो है यहाँ पे शो हो गया है। तो इस तरह से जो है आप बड़े ही आसानी से फॉलोवर ऑप्शन को फेसबुक में ऑन कर सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। यूजर आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट में आप हमें लिख के बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।